अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान। माता पूजन एवं गणेश पूजन से हुई विवाह महोत्सव की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा के रूप में निकलेगा भगवान का जन्मवासा। श्री राम जानकी विवाह महोत्सव की शुरुआत सोमवार को हल्दी की रस्म माता पूजन एवं गणेश पूजन से हुई। सुबह श्री श्री सीताराम शिव संकल्प संस्थानम से संबंधित वैदेही महिला मंडल की सदस्यों ने भगवान श्री राम जानकी की हल्दी की रस्म की अदायगी की। उसके बाद महिलाओं ने नर्मदा घाट स्थित शीतला माता मंदिर में माता पूजन संपन्न कर जूना श्री राम मंदिर के समीप स्थित दुर्गा मंदिर में माता को चुनरी अर्पित की। शाम को गणेश पूजन के साथ बधाई गीत गाने का आयोजन महिला मंडल द्वारा किया गया। पंडित पंकज मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार के समस्त आयोजन महिला मंडल द्वारा संपन्न किए जाने थे, जिसमें बड़ी मात्रा में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। श्री राम जानकी विवाह महोत्सव का आयोजन अयोध्या, मिथिला एवं ओरछा की तर्ज पर आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में यह आयोजन नगर की पहचान के रूप में स्थापित होगा। भगवान के जन्मवासे की निकलने की भव्य शोभा यात्रा मंगलवार को श्री राम जानकी विवाह महोत्सव के द्वितीय दिवस पर सुबह मंडप प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें तीन जोड़ों द्वारा हवन संपन्न किया जाएगा। मंडप प्रतिष्ठा के उपरांत सामूहिक भोज आयोजित होगा। शाम को 4 बजे जन्मवासे की शोभा यात्रा भव्य स्वरूप में निकाली जाएगी। जूना श्री राम मंदिर से भगवान श्री राम की प्रतिमा को पुष्पों एवं भगवा पताकाओं से सुसज्जित बग्घी में बिठाकर जेल रोड स्थित भूपेंद्र चौहान के निवास पर ले जाया जाएगा, जहां जनवासे की शोभा यात्रा में सम्मिलित नगरवासियों का सामूहिक भोज आयोजित होगा। शोभा यात्रा में बैंड, ढोल, मांदल की थाप, बग्घी नृत्य करते अश्व आकर्षण का केंद्र रहेंगे। शोभा यात्रा जूना श्रीराम मंदिर से नर्मदा अप्रोच रोड होते हुए बस स्टैंड से जेल रोड पहुंचेगी, जहां राजपूत समाज धर्मशाला में शोभा यात्रा का समापन होगा। भूपेंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवासे की शोभा यात्रा में नगर के विभिन्न सनातनी समाजजन उपस्थित रहेंगे। जनवासे के दौरान विभिन्न धार्मिक कर्म जिसमें भगवान का शाही भोग परिजनों द्वारा निर्मित होगा। रात्रि में भजन संध्या के साथ लकी डांस एकेडमी द्वारा धार्मिक गीतों पर नृत्य का आयोजन होगा। डिजियाना न्यूज़ डीमार्ट रिपोर्ट मंडलेश्वर।